भारत भवन के रजत जयंती वर्ष पर आपका आगमन हुआ है और आपकी बांसुरी यात्रा की जो प्रस्तुति है, तो इस प्रस्तुति में आकर आपको कैसा लग रहा है? भारत भवन के 25 साल पूरे हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इस प्रकार के कार्यक्रम दिनों दिन मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए और भी अच्छा लग रहा है। फिर क्रिएटिव प्रोग्राम्स करते हैं। आपकी किस प्रकार की स्मृतियां जुड़ी रही हैं भारत भवन से? स्मृतियां तो कई किस्म से हैं, बस अच्छा लगता है, और क्या बोल सकते हैं। 14 तारीख को आपकी जो प्रस्तुति है बांसुरी यात्रा, जिसका नाम दिया गया है, उसके बारे में बताएं। ऐसा है कि बांसुरी के प्रोग्राम्स यानी बांसुरी के ऊपर जो शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम या फोक संगीत के प्रोग्राम कुछ भी, ये सब तो सोते ही रहते हैं, बांसुरी के प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन बांसुरी के बारे में प्रोग्राम नहीं होते। ये अपने ढंग का अनूठा कार्यक्रम है। इसका इंसेप्शन क्या हुआ, उद्गम क्या हुआ, फिर किस तरह से विकास विकसित हुई, फिर वैदिक पीरियड में, उसके बाद फिर दत्तिला में 3rd century, इस तरह से थोड़ा थोड़ा रेंडरिंग भी, फिल्मों में इसका स्थान क्या है, शास्त्रीय संगीत में स्थान क्या है, लोक संगीत में स्थान क्या है, ये सब इसके बारे में कुल मिलाकर ये सैद्धांतिक पहलुओं से भी साक्षात्कार होगा यहाँ संगीत प्रेमियों का, आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आपने भी जिक्र किया फिल्मों का, तो फिल्म डिवीजन की भेंट में एक जो पहचाना जाना पहचाना नाम है वो श्री रघुनाथ सेठ जी का है, और अधिकतर श्रोता आपको इस रूप में भी जानते हैं, फिल्मों में भी आपका दखल रहा है, तो कुछ बताएं कि फिल्मों की तरफ रुख आपका कैसे हुआ? फिल्मों की तरफ रुख तो बहुत बचपन से कहना चाहिए, मैं जब 14-15 साल का रहा हूँ, तब से 8वीं कक्षा में नौगांव में पढ़ता था, वो एक गाना बहुत आता था, पापी पपी अरे पी की बोली न बोल, पापी पपी अरे पी की न बोल मेरी, ऐसे करके इन्हीं के जरिए थोड़ी सी हम बांसुरी में उसको बजाना चाह कोशिश किया बजाने की। वो वृत्ति चित्र में तो बहुत कहना चाहिए उन काफी लगभग 2000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री में म्यूजिक दिया। जो फिल्मों के लिए आपने जो संगीत भी तैयार किया, संगीत निर्देशन का भी काम किया है, तो उन फिल्मों का कुछ जिक्र करें। फिर भी थी एक फिल्म, दूसरी फिल्म थी एक बार फिर, तीसरी ये नजदीकियां, चौथी आगे मुड़ है, फिर मैंने अभी कुछ 2-4 साल पहले मृत्युदंड। इन दोनों क्या नया सृजन चल रहा है रघुनाथ जी, और बांसुरी की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बस कोशिश करता रहता हूँ, जो कुछ छोटा मोटा काम है, क्योंकि आयु इतना परमिशन नहीं देती कि उस तरह से भागूं जैसे पहले भागता था, उतनी मेहनत करता था, अब तो थोड़ा। नई पीढ़ी को आपका क्या मशवरा रहेगा कि वे किस प्रकार से संगीत को ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं? नई पीढ़ी को हमारा संदेश यही है कि धैर्य पूर्व अपने कार्य में लग रहे हैं, तो निश्चय ही उनका उत्तरोत्तर स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। ऐसा ना सोचे कि आज सुना कल सोचे कि हम बस हो गए संगीत या संगीत के बाद, धैर्य रखें, मेहनत करते रहें। सर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।